और गाइस क्या हाल चाल है। आज मैं आप लोगों से कहूँगा कि माइनक्राफ्ट में अंडरग्राउंड बेस कैसे बनाए, और इसका सेकंड पार्ट है या फर्स्ट पार्ट जाके मेरे चैनल में देख लीजिए। और मुझे लास्ट पार्ट में से कनेक्शन देने नहीं आ रहे थे, अब मैं सीज कहूँ कनेक्शन मैंने पीछे से दिया है और ईजीली हो भी गया है। पर अब एक प्रॉब्लम है, हमारा प्लेयर दो जंप को नहीं कर सकता, दो ब्लॉक जंप नहीं कर सकता, तो हमें यहाँ पर एक ब्लॉक डालना होगा, पर वह रेड स्टोन के ऊपर आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर क्या करना चाहिए गाइस? तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, एक मिनट सोचने दो क्या करे। ये यहाँ गया भाई, वहाँ ये तोड़ देते। अगर हाँ मैं ये ब्लॉक के ये बीच का कनेक्शन तोड़ दूँ तो फर्स्ट लाइन का, और यहाँ पर ग्रीन ब्लॉक पर ग्रीन ब्लॉक डाल दूँ तो अब ट्राई करते हैं। मैंने ब्लॉक तो डाल दिया, अब ट्राई करते हैं। काम कर दिया, यस गाइस, यस काम कर चुका है गाइस, यस। और गाइस आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, प्लीज़ करिए गाइस। और जिस दिन मैंने, अगर आप लोगों ने ये चार चीज़ें भी की ना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, तो जिस दिन आप लोग मैंने ये वीडियो अपलोड की उससे दूसरे दिन ही मैं इसका सेकेंड पार्ट है थर्ड पार्ट भी अपलोड कर दूँगा गाइस। तो अब अंदर से डिक करने खोदने की बारी है, हमारे डायमंड पिकेट्स निकाल ली, अब डिक करने हैं। पर मैं इसे कट कर दूंगा, देखिए मैंने इसे कट कर लिया और मैंने इतना डिक कर चुका हूँ, 6000 रूम बन चुका है। पर ये अभी भी छोटा ही है इसलिए हमें अभी टॉर्चेस लाने। अब मैं नीचे का भी खोद दे रहा हूँ, डिक कर दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा हो जाएगा फिर हमारी हाइट। तो मैं ऊपर से नहीं खोदना चाहता, ऊपर से खोदूँगी तो ज़मीन ही आ जाएंगी, इसलिए मैं नीचे से खोद रहा हूँ, देख कर रहा हूँ। आप इसे तोड़ लेते, ये मैं कट नहीं करूँगा गाइस, आप देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर है। तो गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। इससे थर्ड पार्ट भी मैं जल्दी ही लाऊंगा, मुझे एडिटिंग करनी है अभी, उसमें बना तो लिया है, एडिटिंग करके डालूंगा गाइस। वहाँ पर यहाँ से वहाँ पर से वहाँ पर से वहाँ पर से वो तोड़ते थे, ये गाइस ये बहुत अच्छा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है कि मैंने इसे कैसा बनाया, पर इसमें मैंने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी की है जो आपको लास्ट पार्ट में देखने मिलेंगी शायद। इसके बाद मैं माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, थोड़े से बनाऊंगा सर्वाइवल पे, जहाँ पर हम नदर में जाएंगे, ये वो करेंगे। वो बनाने के बाद हम सीधा दूसरी सीरीज शुरू कर देंगे। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़। और क्या मैंने डिक कर दिया पूरा, अभी भी ये पीछे से छोटा है तो मैं पीछे का भी तोड़ूंगा और मैं ये पार्ट कट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग को इतना बोरिंग पसंद ही नहीं आएंगा, इसलिए कट हो जाएंगे गाइस। ओके, और ये कट हो गई, मेरा रिकॉर्डिंग रुक रही है गाइस, गेम में कोई इशू नहीं था, मेरी रिकॉर्डिंग में है तो उसके लिए सॉरी, और मेरा इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसके लिए भी सॉरी। वो रिकॉर्डर रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो मैं अपना रिकॉर्डर डालूँगा एक, वहाँ से तोड़ देते वहाँ पर टॉर्च दिख नहीं रहा था गाइस मुझे, यहाँ पर वो सिर्फ टेम्पररी है, उसे भी हम तोड़ देंगे वो टॉर्च को भी। तो अब ये टॉर्चेस तोड़ने का टाइम आ चुका है गाइस, यहाँ पर से अब हम रूम बाउंड्रीज बना सकते हैं। और ये एडिटिंग में दो सॉफ्टवेयर्स मिला के कर रहा हूँ गाइस, जैसे कि आप वीडियो के बीच में देख सकते हैं कैमटेशिया और दूसरा फिल्मोरा को, वो वीडियो के एंड में आएंगे। तो अब जाते हैं गाइस, अब वो टॉर्च भी तोड़ते हैं, वहाँ पर टॉर्चेस लगा देते हैं, फिर ये तोड़ते, फिर अब वहाँ पर भी टॉर्च लगा देते हैं, ये यहाँ पर भी टॉर्च लगा देते हैं, ये डोर के बाजू आ गई बस। अब हम ब्लू वूल से स्टेयर्स लगा देते हैं पहले, बाद में रूम बाउंड्रीज बनेंगे, ये वरना हम डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे और मैं वैसा नीचे था। तो अब हम पहले ब्लू वूल से वो बनाएंगे हमारे रूम बाउंड्री, पहले मैं सर्च कर रहा हूँ ब्लू वूल,
यहाँ जा भाई, आ गए। अब हम इसे, ये टोटल 8 ब्लॉक्स का है, साइड से भी 8 ब्लॉक से दीवार तक, लेफ्ट साइड राइट साइड से भी 8 ब्लॉक ही है। तब ये चौथे ब्लॉक से हम बाउंड्री बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा बेडरूम होगा गाइस, जो अब मैं बना रहा हूँ जिसकी बाउंड्री, वो हमारा बेडरूम होगा। एक लाइब्रेरी होंगी और एक बाथटब होगा, जिसे आप वॉशरूम बाथरूम क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, वॉशरूम शायद, हाँ। तो अब हम वो बना देते हैं। अब यहाँ डोर लगा देते हैं हमें, ये एक क्लेसी डोर। पहले यहाँ पर हम बेड लगा देते हैं, टॉर्चेस लगा के बेड लगा देते हैं, क्योंकि अंधेरे में मुझे सही नहीं लगता। तो बेड कहाँ है भाई, बेड बेड ये बेड आज का है हमारे पास, वहां पर हम बेड लगा देते। अब हम यहाँ पर बेड लगा देते हैं। बेड कहाँ, पहले हमने डोर लगा दिया, अब हम बेड लगाएंगे। अब हम बेड लगाएंगे, ब्लू कलर का बेड लगाएंगे गाइस हम, लाइट ब्लू में। हाँ ये वाला बेड, लाइट ब्लू बेड, इसको लगा देंगे यहाँ पर। डबल बेड गाइस, क्योंकि हम 8 बेड पे तो हम सही से सोएंगे नहीं, हमारा कैरेक्टर आराम दिन गया हम उसे। तो अब हम क्या लगा इसमें, क्राफ्टिंग टेबल और बैरल लगा देते हैं, और कार्मा स्टैंड रूम को डेकोरेट करने के लिए। फिर हम जाके लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी की रूम बाउंड्री भी बनाएंगे। यहाँ पर बैरल, यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल। अब आर्मर स्टैंड कहाँ है भाई, आर्मर स्टैंड ढूंढना है मुझे, आर्मर स्टैंड कहाँ है, आर्मर स्टैंड भाई, आर्मर स्टैंड कहाँ, वहाँ है आर्मर स्टैंड, मिल गया गया इस मुझे। अब मैं इसे किसकी प्लेस पर रखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस पर रख दिया मैंने, वो आवाज़ बढ़ गई थी गाइस मेरी, माफ़ करना। तब हम जाके और एक रूम की बाउंड्रीज बनाएंगे। चौथे ब्लॉक से हमें जीने के लिए 3 ब्लॉक्स, चौथा ब्लॉक कौन था भाई, हाँ वहाँ है चौथा ब्लॉक, ये 3 तोड़ देते हैं, वहाँ से बाउंड्रीज बनाएंगे। अब हम वहाँ से हम बाउंड्रीज बनाएंगे। अरे यार फिर से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, क्या हो रहा है ये, सॉरी गाइस, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है बार बार। रिकॉर्डिंग अब ये लाइब्रेरी होंगी गाइस हमारी। और गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर लेना, अगर आपने 4 चीज़ किया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट इसके अपलोड होने के 2 दिन ही डाल दूंगा, पूरी ट्राई करते। यहाँ पर डोर लगा देते हम। तो अब मैं इसके, अब वीडियो ख़त्म होने वाली है और ये लंबी भी हो जाएंगी, इसलिए मैं इसे नेक्स्ट लाइब्रेरी हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे गाइस, बाय। यहाँ पर हम लाइब्रेरी नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, अभी 10 सेकेंड है अभी। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने ये 4 चीज़ें की तो मैं इसे दूसरे